ईडी ने गुरुवार सुबह अवैध खनन मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और अन्य से जुड़े 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में विभिन्न स्थानों की तलाशी ली। केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में 24 घंटे बाद भी ये कार्रवाई जारी है। ईडी सूत्रों ने शुक्रवार सुबह बताया कि पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकानों से अवैध विदेशी हथियार, 300 कारतूस, 100 से ज्यादा शराब की बोतलें और 5 करोड़ नकद, 4 से 5 किलोग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। साथ ही भारत और विदेश में कई संपत्तियों के बारे में पता चला है। सुरेंद्र पवार सोनीपत से हरियाणा विधानसभा के सदस्य हैं, वहीं दिलबाग सिंह यमुनानगर सीट से इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक रह चुके हैं। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के आवास पर पिछले 24 घंटे से ईडी की छापेमारी जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।